हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। गणेश उत्सव के बाद मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया था। मैं एक्चुअली थोड़ा टायर्ड हो गई थी और साथ में बहुत कुछ चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं पाई। सोचिए आज एक अच्छा व्लॉग, जो भी लाइफ में जो न्यू अपडेट हो रहा है वो आपके साथ शेयर करूँ, एक अच्छा व्लॉग बनाऊँ, तो इसलिए मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया। और अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और देखिए गाइस मौसम कितना अच्छा हुआ है। देखिए ग्रीनरी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसीलिए जो ट्रीज़ है बहुत अच्छे से ग्रो होके इतना ग्रीन ग्रीन हो रहा हुआ है सब तरफ। मेरे ये हॉल का विंडो है और देखिए यहाँ से कितनी सुंदर ग्रीनरी दिख रही है। देखिए मैं तो मेरी मॉर्निंग की टी यहाँ पे ही बैठ के एंजॉय करती हूँ। देखिए फुल ट्रीज बहुत ग्रो हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो चुका है सब कुछ, और इतना फ्रेश एयर आता है यहाँ से, बहुत फ्रेश फीलिंग होता है यहाँ बैठ के। मैं बस यहाँ पे खाने की तैयारी में हूँ, तो आज मैंने ये स्प्राउट की सेमी लिक्विड ग्रेवी बनाई है और यहाँ पे ये फीकी दाल बनाई है। जस्ट जीरा का छोंक लगाया है मैंने इसमें और यहाँ पे रोटियाँ चल रही है। फटाफट रोटियाँ बना के मैं रख दूँगी। अभी बज रहा है 10:30, तो 11 बजे के अंदर तो हमारा लंच हो जाता है मोस्टली, तो फटाफट रोटियाँ बना के मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मेरा लंच हो चुका है और अभी मैं आपके सामने कुछ शेयर करने के लिए बैठी हूँ। एक्चुअली मैं 3 साल से यहाँ पे उड़ीसा में रहती हूँ और मैं यहाँ से मूव हो रही हूँ। एक्चुअली अभी का मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है, तो इसीलिए हमको जाना पड़ रहा है। गणपति फेस्टिवल के बाद अभी ने बोला कि हमको यहाँ से जाना है, तो वही अभी थोड़े दिन बचे हैं, तो वही मेरा सब पैकिंग रैपिंग ये सब कुछ चीज़ें चल रही है। तो बहुत हेक्टिक चल रहा था, इसीलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया कि अचानक हबी ने बोला कि जाना है हम लोगों को। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि एक जगह पे दूसरे जगह पे मूव करना, इट्स वेरी पेनफुल गाइज। और 19 इयर्स हो चुका है मेरे मैरिज को और 19 इयर्स में मैंने लिटरली 10 to 12 इयर्स पूरा घर सेटअप किया है, वाइंड अप किया है। वेरी डिफ़िकल्ट मीन्स इतना ज़्यादा वो सब स्ट्रेस रहता है। तो क्या कर रही है सलोनी, दिखा ये क्या है? ये देखो आजकल के बच्चों का देखो, हम तो बचपन में ऐसे ही फ्रेंड लोगों के साथ खेलते थे। इन लोगों को डॉल चाहिए, पॉपेट चाहिए और क्या क्या चाहिए तुम लोगों को सलोनी? वो क्या रहता है? लेकिन ये बहुत मस्त है गाइस, ये देखिए पॉप 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 पॉप, बहुत मस्त लगता है मुझे। ये एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर है, तो स्पेशली इस टाइम पे तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रेस आता है तो मैं इसको बस पॉप करके रहती हूँ। सलोनी के साथ मैं भी इसके साथ खेलती रहती हूँ, है ना सलोनी? ले ले कर ले। तो यही सब कुछ चल रहा है, हम लोगों का पैकिंग ये सब कुछ चल रहा है। बहुत काम है गाइस, बहुत काम है, कंटिन्यूस काम ही चल रहा है। गणेश फेस्टिवल जैसे ही हो गया, मेरा वो थकान भी टायर्डनेस भी मेरा नहीं गया था, तो बस ये सेकंड काम स्टार्ट हो गया, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो वही सोची कि आपको एक ब्लॉग बना के अपडेट दे दूँ क्या चल रहा है क्या नहीं बोल के, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है। देखिए गाइस ये सब कुछ सामान स्टफ जो है बस मैं निकाल रही हूँ, वही प्रॉब्लम है कि कुछ लेके नहीं जा सकते। यही है सब कुछ, क्लीनिंग पैकिंग रैप अप सब चल रहा है। किचन का भी बहुत सारा सामान जो है मैं बस निकाल रही हूँ, वही बहुत कुछ सॉर्टिंग करना है गाइस और टाइम इतना कम बचा है, तो यही सब मेरा चल रहा है।
का। आज मैंने ये सब हमारे सनग्लासेस क्लीन करके रखे, ये भी बहुत ज़्यादा डस्टी हो गए थे, तो इसको मैंने सब क्लीन करके रखा है, जाते वक्त यूज़ हो जाएंगे ये। तो यही सब पैकिंग वो सब कुछ चल रहा है। ये सलोनी का बैग मैं अभी पैक कर रही थी, तो वही सब पैकिंग चल रहा है। ये सब बैगेज में सामान क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं, क्या क्या रखना है, वही सब कुछ चल रहा है गाइस। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा ही काम है। एक्चुअली फ्लाइट में वही होता है ना, वेट का प्रॉब्लम होता है, रहते रहते सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वही है जाते वक्त सब कुछ डिस्कार्ड ही करना पड़ता है मोस्टली, तो कुछ लेके नहीं जा सकते। तो यही था गाइस, यही चल रहा है आजकल 4-5 दिन से, पूरा पैकिंग रैपिंग, जो निकालना है, जो भरना है बैग के अंदर, फिर वेट करना, फिर देखना है किसमें क्या कम हो रहा है, किसमें क्या ज़्यादा हो रहा है, कौन सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस चीज़ को डिस्कार्ड करना है, यही सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए मैं बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, इसी काम में तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और बहुत ज़्यादा गणपति के फेस्टिवल में थकान भी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, और उसके बाद ये सब शिफ्टिंग का भी स्टार्ट हो गया, तो और ज़्यादा मैं टायर्ड हो रही थी, इसलिए मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। तो यही सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि हम लोग ओडिशा से शिफ्ट हो रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारी आगे की जर्नी क्या है, ये सब आपको जानना है। तो प्लीज़ गाइस कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, आप मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू देखते जाइए, जो भी मेरे लाइफ में अपडेट होता रहेगा ब्लॉग्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो यही था आज का ब्लॉग, यही आपके साथ शेयर करना था, है ना सलोनी, आर यू एक्साइटेड? बच्चे तो बहुत खुश रहते हैं, कुछ भी ट्रैवलिंग हो, कुछ भी नया हो, तो स्पेशली सलोनी को तो बहुत, ये तो बहुत एंजॉय करती है, इसको तो बहुत मज़ा आता है ट्रैवलिंग ये वो सब, लेकिन मम्मा लोगों को कितना परेशानी होती है, मम्मा लोगों के लिए कितना हेक्टिक होता है पता है? यू डोंट हैव नो आइडिया। तो बस यही था, अभी थोड़े टाइम में मैं मेरे फ्रेंड के यहाँ निकलूँगी, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लोग बहुत शॉक में थे जब मैंने उन लोगों को बताया था कि ऐसा ऐसा मैं यहाँ से शिफ्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि लगभग मुझे इस जगह पे रहते रहते 2.5 ईयर्स हो जाएगा, तो सब फ्रेंड लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है, तो ऑब्वियसली तो उन लोगों को बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से शिफ्ट होते वक्त, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, अभी का जॉब ही ऐसा है, ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण कुछ नहीं कर सकते हैं, जब जहाँ जाना पड़े कुछ बोल भी नहीं सकते। और 19 ईयर से तो मैं यही कर रही हूँ, बस नए जगह पे जाओ, सेटअप करो। हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा बच्चों का एजुकेशन का भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग, इसलिए आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना था, इसलिए मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ कि यही शिफ्टिंग पैकिंग में ही पूरा टाइम चला जा रहा है, इसीलिए नहीं और कुछ ब्लॉग्स नहीं मिलेंगे अभी, डायरेक्ट आप लोगों को के लिए मैं एक अच्छा ट्रैवल ब्लॉग बनाऊँगी,
उसके पहले और एक ब्लॉग आएगा मे बी, तो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का तो बस मैंने इसीलिए बनाया कि कुछ अपडेट मैं दे दूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बेसिकली इसीलिए मैंने आज ब्लॉग बनाया कि वही शिफ्टिंग का चल रहा है, तो बस यही पैकिंग और रैपिंग में ही पूरा टाइम चला जा रहा है। और वही फ्रेंड लोग बुला रहे हैं, नीचे जाके थोड़ा सब काम होने के बाद फ्रेंड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा और एनर्जी के साथ। फिर घर आके फिर से मेरा काम में मैं बिज़ी हो जाती हूँ, तो बस यही हो रहा है, तो इसी में टाइम चला जा रहा है। और मिलते हैं फिर और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, गणपति का वीडियो है और लास्ट टाइम मैंने संक्रांत का भी डाला था लास्ट ईयर का, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, आप देखते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब की करते जाइए मेरे ब्लॉग्स को। और वो तो क्या फ्री रहता है, सब्सक्राइब का तो कुछ नहीं है, एक बटन दबा दो बस सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल। और गाइस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे और नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून।